में से कितने लोगों ने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा है? यदि माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा है तो उसकी उंगली छोड़ मत देना, छोड़ ना देना। जिस माँ ने आपके लिए सब कुछ सहा, और बच्चे पालना सरल नहीं है, जब कोई स्त्री माँ बनती है तब पता लगता है कि बच्चे कैसे पलते हैं, किस तरह से उनको सब कुछ देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, अपनी खुशियों का उनकी खुशियों के लिए बलिदान देना पड़ता है। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं अपने माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अपनी माँ को गाली देना है ना तो बस ये कह दो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती माँ बाप के लिए। सबसे बड़ी गाली है ये कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये सबसे बड़ी गाली है। इसलिए अपनी माँ भगवान के मंदिर मत जाओ, जिस भगवान को मंदिर में जाकर देखना चाहते हो उस भगवान को अपनी माँ के अंदर ही देख लो ना। माँ की सेवा के बाद कुछ समय निकल जाए तो जाओ, मना ही नहीं, पर पहले माँ, माँ ही ईश्वर है, पिता ही भगवान है। माँ बाप का भी धर्म है कि अपने बच्चों में भेद दृष्टि ना रखें। बहुत सारी माएं अपने बड़े बेटे से अलग भाव रखती हैं, छोटे बेटे के साथ अलग उनका बिहेव है, व्यवहार है, ऐसा नहीं। माँ के लिए बच्चे समान होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे माँ बाप भेद करते हैं, बड़े बेटे से ज्यादा प्यार, ज्यादा पैसा कमाता है, छोटा बेटा कुछ नहीं कमाता तो उससे प्यार नहीं है, ऐसा समाज में देखने को मिलता है। वो माँ बाप भी घोर नरकगामी बनते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों से इस प्रकार का भेद रखते हैं। बड़े बेटे से अलग, बड़ी बहू से अलग व्यवहार, छोटी बेटी, छोटी बहू, छोटे बेटे से अलग। माँ बाप तो कम से कम एक समान भाव रखे, और बच्चों को चाहिए कि आप अपनी माँ की सेवा करने के लिए आगे रहें। आपकी माँ बड़े बेटे के, आपकी माँ बड़े भाई के पास है, अच्छा है, आप भी जाओ दर्शन करो, सेवा करो, बुलाओ माँ आए। माँ को भी यदि बेटा चाहता है, बहू चाहती है, तो माँ को भी थोड़ा थोड़ा सबके पास रहना चाहिए, थोड़ा समय बड़े बेटे के साथ, थोड़ा समय छोटे बेटे के साथ। कुछ माँ बाप भी पक्षपाती हो जाते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है माँ बाप उसी के पास रहने लग जाते हैं, उनको लगता है यही ठीक कर पाएगा, बाकी तो वो ऐसे ही। पर तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम्हारे अंदर ये दृष्टि, भेद दृष्टि शोभा नहीं देती। तुम बड़े बेटे के पास भी रहो, थोड़ा समय छोटे बेटे के पास भी रहो, मझला है तो मझले की पास, यदि वो रखना चाहे तो, यदि वो आदर सम्मान से आपको रखना चाहे तो, जबरदस्ती नहीं। बड़ा बेटा श्रद्धा से रखता है तो बड़े के साथ रहो, पर छोटा भी आप पे श्रद्धा रखता है और वो थोड़ा गरीब है तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसके पास भी रहो, उसकी दाल रोटी जो वो कमाता वो आपको खवाएगा, जो खाता भाई हम वही तो खवाएंगे आपको जो हम खुद खाते हैं। तो हर बेटे को, हर बहू को अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए। कहते हैं माँ की दुआओं, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर चार बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन चार बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये बड़ी विडंबना है। माँ बाप सब कुछ करते हैं अपने संतान के लिए, पर संतान के जब करने का टाइम आता है तो संतान पल्ला झड़ा करके भाग जाती है। हम तो पत्नी के संग अलग रहेंगे माँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को छोड़ चुके हैं, पत्नी के संग अलग रहते हैं। बूढ़ी माँ हाथ पांव नहीं चलता फिर भी बनाकर खाती है। अरे बेटा बहू के होते बना माँ क्यों बना के खाए? जब तुम छोटे थे
तो क्या माँ तुमसे भोजन बनवाती थी? अब तुम बड़े हो गए हो तो माँ शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक कमजोर पड़ जाता है बुढ़ापे में, सेवा करो, खुश रखो। तुम्हें क्यों माँ को तंग करना है? माँ तुम ही बनाओ, क्यों बनाए माँ, आप क्यों नहीं बनाओ? कितने बेटे खा लेते हैं पर ये एक बार भी नहीं देखते कि माँ ने खाया होगा कि नहीं। हमारे भारत में ऐसी लाखों माएं हैं जो अपने बच्चों से अलग रहती हैं, और वो भी खुशी से नहीं, बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण अकेले बनाती हैं, खाती हैं, बेटा देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं। ऐसा व्यवहार ना कीजिएगा, पहले माँ को खवाओ फिर खाओ, माँ के साथ रहो, माँ की सेवा करते हुए अपना माँ का आशीर्वाद लेकर के ही काम स्टार्ट करो, काम प्रारंभ करो, वो काम आपको सफल बनाएगा। माँ की दुआएं है ना, भगवान की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद बाद में लो, पहले माँ का, क्योंकि हमने भगवान को बाद में जाना है, माँ को पहले जाना है। इस संसार में जब आप आए तो पहला परिचय आपका किससे हुआ था, पहली बात किससे हुई थी? आप जब कुछ बोलते नहीं थे तब माँ ने आपसे बातें करनी शुरू कर दी थी, जब आपको बोलना नहीं आता था, पहली बार आपको कपड़े माँ ने पहनाए थे, आपकी कंघी पहली बार आपकी माँ ने की थी, आपको नहलाया, आपका मलमूत्र धोई, और खुशी खुशी करती है माँ। माँ खाने बैठती है और तुम तभी उसकी गोद में सुसु और छिछी कर देते हो, लेकिन फिर भी माँ तुम पर गुस्सा नहीं करती, अपना साफ करके तुम्हें खिलाकर खाती है। और आज यदि तुम्हारी माँ बुढ़ापे में बिस्तर में मलमूत्र करने लग जाए तो तुम्हें नाक पकड़ के तुम भागते हो। ये तो उनका हम पर ऋण है, चुकाना पड़ेगा। सेवा करो, भागो मत, कहां जाओगे भाग के, देखने वाला तो सब देख ही रहा। ये पूछा जाएगा आपसे कि तेरी माँ ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने उसके बुढ़ापे में क्या किया? कितने बच्चे अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्धाश्रम बनाने की क्यों जरूरत थी? हमें वृद्धाश्रम बनाने का कोई शौक नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। भारत का प्रत्येक बेटा और भारत की प्रत्येक बहू अपनी सास का और प्रत्येक बेटा अपनी माँ का ख्याल रखे, तो बताओ फिर किस माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा? हम सब अपनी इंसानियत का परिचय दें। बेटा नहीं है तो बेटी सेवा कर ले, बेटा बेटी नहीं है तो समाज के अपने जो हैं परिवार में वो एक इंसान की सेवा इंसानियत के नाते कर सकते हैं। भाई तुम्हारी चाची के बेटा बेटी नहीं हुआ, या तुम्हारे परिवार में किसी के बेटा बेटी नहीं, अब वो महिला अकेली है और उसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है। देखो संपत्ति जिनके पास है उनकी सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का है कि भाई इनके बाद ये संपत्ति हम ले लेंगे। लेकिन जिनके पास संपत्ति नहीं है और बेटा बेटी नहीं है, उनकी सेवा यदि आप कर लें तो बताइए इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी। यदि हर व्यक्ति अपनी इस तरह की इंसानियत का परिचय दे तो वृद्धाश्रमों की क्या जरूरत है। ये दास अनिरुद्ध ने जिन माओ की सेवा की, उन माओ से हमारा क्या संबंध है बताइए, क्या रिश्ता है? इस रिश्ता केवल इंसानियत का है मेरी माँ। यदि हम इंसानियत को अपने भीतर जिंदा रखे हैं तो हाथ जोड़ के आपसे भी कहते हैं, आप भी अपने अंदर की इंसानियत को मरने मत दीजिएगा, आप भी अपने अंदर की इंसानियत को जीवित रखिएगा, क्योंकि इंसानियत जब तक है तब तक आप हैं, वरना फिर मुर्दे में और आप में अंतर क्या रहा? मुर्दे ही तो हैं वो बच्चे जो अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं, उनमें जान कहां है?